गुंजन सक्सेना लखनऊ की एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी लड़की जिसका बहुत बड़ा सपना। लेकिन जो दुनिया ये सोचती है कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती, क्या वही दुनिया गुंजन सक्सेना को प्लेन उड़ाने देती? लेकिन गुंजन को अपने पापा पर बहुत भरोसा था, जो यही कहा करते थे, प्लेन लड़का उड़ाए या लड़कियां, उसे पायलट ही कहते हैं। उसने उसी दिन यह फैसला कर लिया कि एक दिन वो ये विमान खुद उड़ाएगी। ये बच्ची थी गुंजन सक्सेना। ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ उनके पिता और भाई दोनों ही सेना में थे। बचपन से ही उस बच्ची ने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने का फैसला कर लिया। है गुंजन सक्सेना के बारे में, गुंजन सक्सेना की कहानी। गुंजन सक्सेना ने SSB पास कर वायुसेना में शामिल हो गई। उस वक्त महिलाओं को युद्ध में जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही फाइटर प्लेन उड़ाने की अनुमति थी। लेकिन जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो गुंजन सक्सेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो शायद उस समय किसी महिला के लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जब युद्ध चल रहा था तब पायलटों की तत्काल जरूरत थी और भारतीय वायुसेना ने महिला पायलटों को बुलाया और उस समय सबसे आगे खड़ी थी गुंजन सक्सेना। कारगिल युद्ध के दौरान जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी, दोनों ओर से गोलियां बरस रही थी, उस वक्त घायल सैनिकों को बचाने का जिम्मा लिया गुंजन सक्सेना ने। गुंजन को कश्मीर के उस क्षेत्र में भेजा गया जहां पाकिस्तानी सैनिक लगातार भारतीय फौजों पर रॉकेट लॉन्चर और गोलियों से हमला कर रहे थे। चीता हेलीकॉप्टर के लिए दोनों ने युद्ध के मैदान में जाकर सैकड़ों सैनिकों की मदद की। बिना हथियार के गुंजन पाकिस्तानी फौज का मुकाबला करती रही और कई जवानों को सुरक्षित निकालने में कामयाब हुई। उधर पाकिस्तानी सैनिक लगातार हमला कर रहे थे, यहाँ तक कि गुंजन के एयरक्राफ्ट पर भी मिसाइल दागे गए, लेकिन निशाना चूक गया और गुंजन सक्सेना बाल बाल बच गई। गुंजन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंजराज कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद एयरफोर्स ज्वाइन किया था। सक्सेना द कारगिल गर्ल बहुत ही जल्दी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है और आप लोग उसको देख सकते हैं, जिसका रोल प्ले करेंगी जाह्नवी कपूर। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर आप लोग देखिएगा, इस फिल्म को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है और अपने बच्चों को, अपने जो भी आपके बच्चे हों या आसपास के बच्चे हों, उनको देखने के लिए प्रेरित करिएगा। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तभी से ये चीज़ें हमारे दिल में आ जाती हैं, हमारे दिमाग में आ जाती हैं और बड़े होकर हम वही करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके बच्चे हैं, आसपास के बच्चे हैं, तो उनको ये मूवी दिखाएँ जरूर।